हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कल मैंने पांच टिप्स आपको बताई थी जिनमें से मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आपके सामने लिखा था, टिप्स नंबर वन, ट्रेडिंग वीडियो सेल्फ रिलायंस, और ये मतलब ये टिप्स आपको बताई थी। अब मैं इसमें से आपको पांच टिप्स भी बताऊंगा, और जो छठी सातवीं या आठवीं या छः टिप्स मैं आपको वो भी आपको साथ साथ बताऊंगा। कल मैंने आपको बोला था कि पांच टिप्स के अलावा छः बताऊंगा आपको मैं, तो आज मैं आपको छः टिप्स बताने जा रहा हूँ। इनमें से पहले टिप्स मैंने आपको बताई है ये ट्रेंडिंग वीडियो। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब चलाता हूँ, ये यूट्यूब ऑन हुई है मेरी। अब हम ये फॉर एग्जांपल मैंने तो इधर लिखा हुआ ना सेल्फ रिलायंस, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है सेल्फ रिलायंस। मुझे पता है वो कंपनी लॉन्च अभी नहीं हुई, लॉन्च होनी है 14 अगस्त वाले दिन लॉन्च होनी है। मतलब ये लिखा हुआ है 14 अगस्त वाले दिन ये लॉन्च होनी है। तो कंपनी का नाम है सेल्फ रिलायंस। अब मैं इधर लिखता हूँ सेल्फ रिलायंस, मुझे पता चल जाता है। तो उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई हुई अपनी, प्रोडक्ट है लेकिन वीडियोस नहीं बनाई उन्होंने। तो मैं देखूँगा 14 अगस्त, मैं सोचूँगा कि 14 अगस्त वाले दिन मेरी वीडियो रैंक हो जानी है, क्योंकि अभी जो बंदे हैं ना 200 या 300 समथिंग ज्वाइन हुआ है वो कंपनी। तो जब ये मुकम्मल लॉन्च हो जाएगी ना, फिर तो वाफर मकदार में लोगों ने आना शुरू हो जाना है। तो मैं चाहूँगा सेल्फ रिलायंस पे मैं वीडियो बनाऊँ, उससे मेरी ये वीडियो ना रैंक हो जाएगी और मुझे फ़ायदा। ये पहली टिप्स आपको बताई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रेंडिंग में हम जाते हैं, ट्रेंडिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो ड्रामा हो गया ना बालों वाले, ये ट्रेंडिंग वीडियो मैं आपको इसका भी मैं आपको बाद में बता दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये ट्रेंडिंग वीडियो लानी कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वीडियो पे है कोई, मेरे ख्याल से ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने चैनल में जाता हूँ माई चैनल। अब आपको नज़र आ रहा है मेरे 92 सब्सक्राइबर्स हैं। आपने सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर्स पे तवज्जो देनी है, और 92 जब जैसे सब्सक्राइबर्स हो जाएं आपने अपनी वीडियो डालनी है। तो वीडियो आपने ट्रेंड वाली डालनी है, मैं आपको आराम आराम से बताऊँगा। अच्छा ये तो हो गया ट्रेंडिंग वीडियो का। मैंने फुल मैं एक और बात बता दूँ, ट्रेंडिंग वीडियो में जैसे मैं आपको बता दूँ ये जो न्यूज़ चली थी कंदील बलोच वाली, कंदील बलोच वाली ये वीडियो चली थी माई यूट्यूब, ये कंदील बलोच वाली चंदी बलोच वाली ट्रेंड तो अब ख़त्म हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ कि चंदीर बलोच जब उसका कत्ल हुई ना, तो वो वीडियो साथ ही किसी बंदे ने न्यूज़ पे देखी और उसे यूट्यूब में डाल दिया। अब उसे बेनिफिट यही हुआ कि अब जो न्यू बंदे हैं जिन्होंने टीवी नहीं देखा, उन्हें पता चला कंदील बलोच वो कत्ल हो गई है, उन्होंने यूट्यूब चलाने हैं। यूट्यूब पे वो सर्च मारेंगे कंदील बलोच डेड, तो वो जैसे उन्होंने सर्च किया तो वो आपकी वीडियो शो होगी। और अगर आपको एक दिन में आपकी वीडियो पे 500 से 600 आ जाते हैं विजिटर आ जाते हैं, तो आपकी वीडियो ट्रेंड में चली जाएगी और
वो डिफरेंट आईपी से होने चाहिए, ये नहीं कि आप अपनी वीडियो पे खुद अपने करी जाओ व्यूज़, उसका आपको बेनिफिट नहीं होगा। ट्रेंड पे लाने के लिए आपको डिफरेंट आईपी की नीड होती है, कि डिफरेंट आईपी से आपकी वीडियो सर्च हो और उस पर व्यूवर्स आएँ। अब ये पहली टिप्स तो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दी है। दूसरी टिप्स है फाइंड कंपटीशन रैंक वीडियो कमेंट ऑन डैट वीडियो। कंपटीशन है ये आपका, फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो आपने बनाई कंदील बलोच पे, बनाई कंदील बलोच पे आपने वीडियो बनाई, अब आपने देखना है कि दूसरा बंदा क्या बोलता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कंदील बलोच डेथ, मैंने ये लिख दिया कंदील बलोच डेथ। अब ये देखें, ये उनकी वीडियो आ गई ये रैंक। अब मैं इधर देखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वीडियो बनाई हुई, ये वाली वीडियो बनाई हुई, इस मिसाल दे रहा हूँ, ये मेरी वीडियो है नहीं, मैं ये वीडियो बनाई है। अब मैं जाऊँगा न्यूज़ पे, मतलब फॉर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मैं न्यूज़ पे चले जाऊँ या यहाँ पे चले जाऊँ, मैं इस पे जाऊँगा, इस पे गया मैं और मैंने इस पे कमेंट दे देना है अपने पास ही दे दूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी तो अभी वीडियो रेडिट पे बनी है ना, तो मैं अपनी रेडिट के मुताबिक कोई वीडियो फाइंड करूँगा और उस पर कमेंट दे दूँगा अपना, मतलब नाइस वीडियो, ये मतलब वीडियो चली है तो आप फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर कमेंट देता हूँ नाइस मैन, इज़ पॉसिबल इन बाय नॉलेज, मैंने अपने पास से कुछ भी लिख दिया, आपने मतलब इजी नेबल आपका कमेंट होना चाहिए कि उसमें आपने बोला गया है वो समझ आना चाहिए दूसरों को। ये मैं आपको जो टिप्स बताई ना, इससे आपका बेनिफिट ज़्यादातर होना है आपके सब्सक्राइबर्स में। अब मैंने ये कमेंट दे दिया ना, ये पोस्ट कर दिया, मैंने खाली कमेंट दिया है अभी मैं आपको दिखाने के लिए, आपने इसे लाइक करना है, कर ही लाइक। अब मैंने अपनी जो मेरा दूसरा चैनल है ना उसे मैंने ओपन किया, ये वीडियो ओपन हुई है। अब मैं आपको अपना कमेंट दिखाता हूँ, ये मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, इन टिप्स से आपको यूट्यूब का चैनल भी आपका रैंक होगा
और आपको अच्छे मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा, व्यूज आएंगे वगैरह वगैरह। और दूसरा ये पास लोग होते हैं कि आपको डिमोटिवेट करते हैं कि जी आपने मतलब कॉपी पेस्ट वीडियो नहीं डालनी और किसी की भी वीडियो उठा के आपने डाल देनी है, ये वो ऐसा नहीं करना आपने, कि जिससे आपको एडसेंस की परेशानी रहे सारा दिन। और एडसेंस आपका कभी भी बैन हो जाए तो आप न्यू बनाओ, ऐसे नहीं है अब मेरा एडसेंस ओल्ड हो गया इस साल होने वाला है मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब आपने ये देखें फॉर एग्जांपल मैंने ये कमेंट दिया ना, तो मैं इस पे मुझे बताया ये वीडियो ओल्ड हो गई है लेकिन मतलब सर्चिस में है अभी थोड़ी बहुत, अगर तो ये वीडियो सर्चिस में है सर्चिस में हुई तो किसी ने आना है मेरे कमेंट तो को पढ़ना है और उसे मेरे चैनल पे जाना है देखना है यहाँ के इसके चैनल पे कौन कौन सी वीडियो है, फिर मेरे सब्सक्राइबर्स होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं तीसरी टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम थोड़ा है तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये पांच टिप्स हैं तो आपको मैं बनी बनाई मतलब कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर आपको बनी बनाई मिल जानी थी। अच्छा हैशटैग हो गया, हाँ ये टिप्स नंबर 3 हैशटैग यूज इन कमेंट आफ्टर कमेंटिंग और वीडियो लाइक योर कमेंट विद अदर चैनल। उसमें भी आपने यही करना है कि ये तो आपने बना लिया ना सब्सक्राइबर्स के बारे में, आप फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो है रेडिट के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, कर्मा काउंटर आपने ये हैश का टैग लगाना कैसे, फॉर एग्जांपल ये मेरी ये वीडियो है कर्मा काउंटर है मतलब ये मेरा कीवर्ड है और मेरी वीडियो पहले नंबर पे शो हो रही है और ये सर्च वॉल्यूम 5 है मतलब ये कंपटीशन 91 है। अब ये वीडियो है मैं चाहूँ और ये वीडियो 1.70 टाइम की है, अब मैं चाहूँगा यही वीडियो पे 815 व्यूज़ है ना इससे ज़्यादा व्यूज़ आए तो मैं देखूँगा ये वीडियो क्योंकि रेडिट के ऊपर मैं पेंट करूँगा रेडिट, ये मैंने रेडिट अकाउंट ढूँढा। अब ये पहला पोस्ट है व्हाट इज रेडिट, मैं जाऊँगा इस पे। अब मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं आप जो सी मर्जी अपनी आईपी लॉगिन कर लो, आपने बस हैश टैग वाला कमेंट देना। अब फॉर एग्जांपल ये रेडिट पे यूट्यूब पे डेली सर्च होता है, ये फॉर एग्जांपल ये इसे एक महीना पहले दिया और 15 इस पर लाइक्स आ गए हैं, तो इसी तरह ये डी कमेंट सिस्टम और एडिंग ये कंफ्यूजिंग इफ यू लाइक फॉर डाटा। ये देखें ये वीडियो 6 दिन पहले इस पे कमेंट हुआ, दैट इट विल बी ऑफ इवेंट टू बी बिकॉज देयर आर सब्सक्राइबर्स बटन, मतलब ऐसे ऐसे हम कमेंट्स आए हुए हैं तो आपने भी ऐसा हमको कमेंट देना है, मतलब रेडिट इज वेरी जॉइन फुल सोशल नेटवर्क आई लाइक टू फेस, मतलब मैंने यहाँ पे हैश डालना यहाँ पे और यहाँ पे लिख देना कलमा CONTER काउंटर कलमा टाउन काउंटर
मतलब मैंने ऐसा कमेंट दिया, अब जो भी बंदा है ना वो ये पूरा पढ़ेगा। और कर्मा काउंटर का मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैं पहले अव्वल तो पहले आया अपनी ये जो जैसे मैंने आपको बताया था अपने ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट ग्रुप में आया, ये ग्रुप मतलब चैनल नेम भी आया। चैनल पे आने के बाद ये जितने भी कमेंट्स हैं ना वो ओपन हो जाएंगे। अभी ये हो नेट में ज़रा मसला आ जाता है इस टाइम, सॉरी। अब ये देखें आपको ये नज़र आ रहा होगा, और ये नाइस, ये मैंने कल दिया था, सही है ना। आज वाला जो है ना ये मैंने कल दी थी, और कल जब मैंने वीडियो बनाई थी 3 दिन पहले, मतलब परसों ये वीडियो बनाई थी मैंने जब आपको दिखाया था, ये आपको फ्री हुआ है। मैंने अभी जो कमेंट दिया ना वो आपको दिखाता मैं। वो मतलब दरअसल जो भी आप देते हैं ना यहाँ पे कमेंट, उस पर लाइक वगैरह ना हो तो वो आपका डाउन चले जाते हैं। जैसे आपका है नहीं हिसाब ये रेडिट पे, ये रेडिट पे आपको जब कमेंट अपना कमेंट करना बढ़ाना होता है, मैंने आपको बोला था उस पर आपको आपका टॉप पे कमेंट्स होने चाहिए तो आपको ज़्यादा सब रेडिट मिलते हैं। इसी वजह से ये यूट्यूब पे भी यूज होती है ट्रिक कि इस पे आपने कमेंट दिया ना यूट्यूब पे अप्रूव हो गया होने के साथ साथ आप उसी टाइम लाइक कर लेना होता है। तो जैसे ही आपका कमेंट लाइक होगा वो टॉप पे चला जाएगा। अब मेरा कमेंट डाउन हुआ है तो मैं अब उसे लाइक करूँगा तो वो टॉप पे चले जाएगा, टॉप पे जाना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर मेरे ज़्यादा चैनल होंगे ना तो मैं अपने सारे चैनल से मैं अपना जो कमेंट है ना उसे मैं लाइक करूँगा, और उससे ये होगा वो कमेंट मेरा टॉप पे आना शुरू हो जाएगा, जिससे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा और अच्छा फ़ायदा भी। ये तो वीडियो ओल्ड है ना इसलिए मेरा कमेंट बहुत डाउन पे दिया गया हुआ है। चलो मैं बाद में देखता हूँ। अच्छा इसका ये फ़ायदा है, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने हैश टैग डाल के लिखा हुआ है कर्मा काउंटर, आप कोई भी इस पर क्लिक करेगा ना तो ये देखें इस पर क्लिक हुआ मेरी वीडियो, ये मेरी वीडियो का जो कीवर्ड था मुझे पता है कि ये वाला कीवर्ड सर्च होना है तो मेरी वीडियो टॉप पे शुरू हो जाएगी। अब ये देखें मेरी वीडियो शो हुई उसे, तो अब जो भी इस कीवर्ड से आते हैं वो पहली वीडियो हमेशा देखते हैं फिर दूसरी देखते हैं, और क्योंकि इस पे टिक हुआ है तो ये लास्ट में देखेगा। लेकिन हमें ज़्यादा कोशिश करनी है कि ये हमारी जो चैनल नेम है ना वो भी टिक हो जाए, रैंक हो जाए। अब इसका कंपटीशन 11 है क्योंकि हमने हैश टैग डाले,
इसकी वजह से 11 शो हो रहा है और ये माइनस डाला हुआ है इसलिए ये 7 मिला हुआ है। मतलब इसी तरह आपने कीवर्ड आपने यूज करने हैं जैसे भी आप यूज करना चाहो। तो अब टिप नंबर 4 है, मेक वीडियो डिस्क्रिप्शन विद हैशटैग यूज ऑन कमेंट्स। कमेंट्स में आपने यूज करना है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, यूज ऑन डिस्क्रिप्शन, यूज ऑन टाइटल आल्सो यू कैन। फॉर एग्जाम्पल ये मैं अपनी वीडियो का ही दिखा देता हूँ, मैं जाता हूँ अपने चैनल पे जाता हूँ, मुझे नीड तो नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाना है आपने, ये फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वीडियो है, एडिट पे जाऊंगा मैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हैशटैग है तो मैं कर्मा काउंटर पे मैं भी डालूंगा हैशटैग। और ये मैं देखता हूँ सोशल साइट विद द मेथड ऑफ कर्मा काउंटर। अब ये फॉर एग्जाम्पल कर्मा काउंटर है ना, मैं इसे कर देता हूँ कर्मा। वैसे तो मेरी वीडियो रैंक है, ये रैंक के लिए आपको इम्पोर्टेंट होता है, वैसे तो नो नीड टू हैशटैग इन डिस्क्रिप्शन एंड योर टाइटल। अब ये मैंने हैशटैग के डाला है, अगर मैं नंबर इन देना देता हूँ फॉर एग्जांपल 230 तो ये भी चलेगा। ये 230 मतलब 230 के नाम से भी, मतलब नंबरों के नाम से भी वीडियोज आती हैं तो मेरी वीडियो उनके कैथे में चली जाएगी। अब मैं इधर भी डाल देता हूँ, ये कैसे जो मैंने कैसे डाला हुआ ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। 230 मैं इसे सेव कर देता हूँ, सेव कर होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं आपको डिफरेंट टिप्स बता रहा हूँ जो आपको किसी ने आई थिंक बताई हो, अव्वल तो आपको किसी ने बताई नहीं होगी और इसका बेनिफिट आपको बहुत है, बस आप इसे यूज करो। और जो बंदा है ना जिसने ये वीडियो बनाई, मैं आपको उस वीडियो का लिंक मतलब आपको बता भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यूडमी में दिखाता हूँ, मेरे पास इस टाइम भी पड़ा हुआ वो कोर्स जो जिस बंदे ने आपको टिप्स बताई हुई है ना, और उसकी वीडियो का ये दावा है कि आप $18,000 पर मंथ कमा सकते हैं। अब ये कोई बंदा ऐसे तो नहीं ना बोलेगा, और वो भी यूडमी पे, यूडमी वालों की अपनी पॉलिसी होती है, अगर आपको आपकी वीडियो का आपको रिजल्ट नहीं ना मिलता कि जी आपने कोर्स बनाया और आपका स्टूडेंट बोले कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो जो टीचर होगा ना उसका यूडमी कोर्स
बंद हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बताया था ये यूडेमी पेड कोर्स है और उसमें जो जो उस बंदे ने टिप्स बताई है ना, उसमें से मैं पांच आपको टिप्स बता रहा हूँ, बाकी मैं अपने जो पेड ट्रेनिंग है ना उसमें बताऊँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लर्निंग में जाते हैं हम, अभी मैंने इस बंदे की वीडियोस भी हैं कोई 10-12 देखी है, ज़्यादा वीडियो नहीं देखी मैंने, और जो वो टिप्स ऑलरेडी बता चुका है, जो बता रहा है वो मैं अपने पेड कोर्स में लाइव करवाता हूँ। मैं ना अपने स्टूडेंट को कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करवाता हूँ, ना ही कोई सेल्फ क्लिकिंग का बोलता हूँ, और आप प्रोग्रेस देख सकते हैं मेरे स्टूडेंट की कैसी जा रही है, मैंने पिछले दिनों आपको बताया भी था। अब ये देखें, ये कोर्स है यूट्यूब मार्केटिंग क्या है, ये मार्केटिंग है, ये जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ ये दरअसल यूट्यूब मार्केटिंग का है। सीक्रेट प्रो लर्न यूट्यूब, आप इसने आगे बताया कि अर्न मनी $18,000, ये भी यूट्यूब का कोर्स है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसमें मेरा ये बताया हुआ SEO के बारे में बताया हुआ, जो मैं ऑलरेडी अपने ग्रुप में बता चुका हूँ। तो ये कोर्स है, और आप मतलब ये देखें ये अंगेज रेट, मतलब 5% जो लोग हैं ना वो मेरी वीडियो सर्च करते हैं। ये देखें, मैंने ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ये इतने ज़्यादा वर्ड हैं कि ये मेरी वीडियो ईजिली रैंक हुई है। मैंने जो जो आपको बोला है ना वो मैंने अप्लाई किया है, मैंने ऐमी नहीं बोला आपको। मैं आपको टिप्स नंबर जो 5 है ना वो बताने जा रहा हूँ, कॉपी वीडियो ओपन एंड कॉपी यूजर नेम एंड यूज इन योर टैग। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, कॉपी वीडियो ओपन करनी है एंड कॉपी यूजर नेम एंड यूज इन योर टैग। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये आपने वीडियो कॉपी की है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने वीडियो, ये मैं आपको दिखाता हूँ ट्यूब रैंक जेट, ये मैं आपको ग्रुप में नहीं दूँ, ये सॉफ्टवेयर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको अलाउ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा कर्मा काउंटर, फॉर एग्जाम्पल आप न्यू वीडियो बनाने जा रहे हैं तो आपने जस्ट ये जो सॉफ्टवेयर है ना आइडिया देते हैं आपको। अब ये देखें कर्मा काउंटर है ना, कर्मा काउंटर मैंने रैंक फर्स्ट पे लाना है, ये मेरा रैंक फर्स्ट पे है, 5 पे लाना है तो 1% आपको काम करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं रैंक 2 पे, ये देखें रैंक 2 पे आपको 2% काम करना पड़ेगा, रैंक 0%, सही है ना।
ये है इस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा। अब हम जाते हैं एनालिसिस में जाते हैं। इधर आपने लिखना है कर्मा काउंटर। मैंने आपको बोला था ना 2% आपने काम करना है, अगर आपने रैंक 2 पे लाना है। ये आपको टैग भी अवेलेबल हैं इन्होंने किए हुए हैं। ये कर्मा काउंटर एक्सपल प्लान, कर्मा काउंटर पिक्स, कर्मा काउंटर एडिट, कर्मा काउंटर लक्स, कर्मा काउंटर सीजन, कर्मा काउंटर ये, कर्मा काउंटर पिक्स ये वगैरह हैं। अब ये देखें ये 3% पे हो गया, सही है ना। अब आपने ये फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वीडियो, मैं इसे इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये मैंने क्लिक किया, अब जैसा जो जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मैं आइडियाज़ वगैरह दिए हैं ना, आप इसे भी कॉपी कर सकते हैं। ये टैग है मेरे, ये भी आप लगा सकते हैं अपनी वीडियो पे, सही है ना। और अगर ये आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं आपको ये अपनी जो यूट्यूब की वीडियो डालूँगा उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूँगा कि कैसे करना। और आपने दूसरी बात, आपने जो मतलब आपकी ओल्ड वीडियो होगी ना, वो आपने डिस्क्रिप्शन में देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बताया हुआ है प्लीज़ ऐड द कीवर्ड इन द टाइटल विदाउट एनी स्पेस वर्ड, ऐड टू द बिगिनिंग फॉर बेस्ट रिजल्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कीवर्ड डाला, कीवर्ड कर्मा काउंटर, तो आपने इसे थोड़ा नंबर पर ना कर लेना है। और जो ये पहला वर्ड होगा ना, पहला वर्ड ये आपने कैपिटल में देना है, कैपिटल में देना है। और फिर आपने अच्छा ये तो हो गया ना टाइटल। अब कंसीडर मेकिंग द टाइटल लॉन्ग एंड सेंटेंस इफ पॉसिबल। जो आपका टैग है ना वो लॉन्ग ज़्यादा से ज़्यादा लंबा होना चाहिए। फिर है प्लीज़ ऐड अ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, प्लीज़ ऐड टैग। फिर ये आपने टैग डालने हैं, इनकी ऑप्शन यहाँ पे भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डालता हूँ कर्मा पेट्स, कर्मा ये ये ये, आप देखें 25 हो गया मेरा रिजल्ट। इसी तरह आपका रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएगा, मतलब जो जो इन्होंने मतलब आपको बताया होगा वो आपने डाल के जाने, इसी तरह आपका रिजल्ट ज़्यादा होता जाएगा और आपकी ये जो वीडियो है ना वो रैंक हो जाएगी। ये मैं आपको इजी मेथड बता रहा हूँ जो मैं अपनी पेड ट्रेनिंग में लाइव करवाता हूँ, और इससे आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। ये आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना सॉफ्टवेयर। अच्छा ये भी हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टिप्स नंबर 6। इसमें है यूजर नेम और हाँ ये जो टिप नंबर 5 है ना, इसे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर जो टिप नंबर 6 है ना वो दरअसल मैंने 5 में बताई हुई है पहले, और मतलब 6 वाली मैं आपको बताने जा रहा था। ये जो सॉफ्टवेयर है तो कंपटीशन, अच्छा यूज ट्यूब रैंक जेट एंड हेल्प बाय others and
इसमें है कंपटीशन, यूजर नेम आपने ओपन करना है एंड कॉपी फॉर योर टैग एंड to get more views. अब इसका ये फ़ायदा है कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वीडियो है, इसका मैं फाइंड करूँगा ये एडिट लिंक लगा लो या एडिट पोर्ट लगा लो, जो भी कीवर्ड है आपको कीवर्ड रिसर्च है आपको पता है कि होती है, तो आपको फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो उठा लेता हूँ, मैं ये वीडियो नहीं हेल्पफुल ट्यूटोरियल अली अरशद जमिंडू एमेंट रेडिट, फॉर एग्जाम्पल मैंने रेडिट वीडियो उठाई। अब आपको पता ना सी जी पी ग्रे, आपने यूजर नेम चेक कर लेना, तो आपने जाना है जैसे ही आप ये लिखते हैं ना आपके सामने चेक यूजर नेम आ जाएगा सोशल मीडिया, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये यूट्यूब की ऑप्शन है, विकिपीडिया, लिंक्डइन, ये सारी मतलब आपको यूजर नेम बता देती है कि आप ये यूजर नेम कैसा है। और दूसरा एक एस सोशल प्लेट के नाम से सोशल ब्लेड, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा था सी जी पी ग्रे, अब मैं इधर लिखता हूँ सी जी पी जी आर ई वाई, सी जी पी जी आर ई वाई ये मैंने लिखा, चल चुकी है। ये देखें सी जी पी ग्रे टू सी जी पी ग्रे हेलो इंटरनेट, ये आ गया आपके सामने। आपने चेक करना है ये इसकी 101 अपलोड हो गई है, 34 अपलोड्स ये हुई हैं। अब इसके व्यूज इतने हैं और इसकी वीडियो इतने सब्सक्राइबर्स पे है, ज़्यादा मतलब ये बेनिफिट देता है। अब आपने देखना है इसकी डेली आपको व्यू कितने मिलते हैं, ये मैं अपनी टिप्स बता रहा हूँ। पहली 5 तो मैंने आपको बताई है ना, जो मतलब सॉफ्टवेयर मिला के नहीं सॉफ्टवेयर के बगैर जो मैंने आपको बताई है ना पहली 4, वो तो उस बंदे ने बताई हुई है, सही है ना, बंदे ने भी बताई हुई है, कुछ मैंने भी बताई हुई है। तो आप ये देखें बी प्लस है टोटल ग्रेड व्यू फॉर दी लास्ट 13 डे में इतने व्यूज आए हैं,
अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें। और ये रैंक पे है, सही है ना, ये मतलब डाउन पे है, अभी 19% डाउन पे है। तो इसकी एस्टिमेट मंथली आने कितनी है, फन कैसे 25K यूजर की मंथली अर्निंग है। तो आपने ऐसा करना है, ये जो आपने ये वीडियो है ना, क्या जो ये उठा लिया कॉपी किया, और ये सर्च वॉल्यूम आपको बता रहा है 38, सही है ना। तो आपने जाना है फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ रेडिट मोटिवेशन, ये भी मेरी वीडियो है, आप ये रेडिट मोटिवेशन, ये सबसे पहले मैंने वीडियो, इसका सर्च वॉल्यूम 0 हो गया, मतलब इसकी अभी सर्चिस नहीं हो रही। तो मैं जाऊंगा चैनल में, माय चैनल में जाऊंगा, डिस्क्रिप्शन और जो टैग होना है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने डाला हुआ है आपके सामने, डाला था जीपी ग्री, मैंने ये डाला हुआ है, जब मैंने स्टार्टिंग में डाला था तो मेरी सर्चिस होने शुरू हो गए थे, अब मैं इसे बदल दूंगा। ये देखें आपके सामने रिजल्ट है, CGP ग्रे, मैंने ये यूज़ किया हुआ है और मेरे 406 चार मंथ हो गए हैं, लेकिन मतलब बास वीडियो होती है कि आपकी इतनी छोटी होती है कि उसे कोई देखना नहीं चाहता, तो मतलब वीडियो में भी फ़र्क आ जाता है, वीडियो आपने लंबी से लंबी बनानी है, उससे ये है दूसरों का जो इंटरेस्ट है ना वो ज़्यादा डिवेलप होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अपना फीडबैक लाजमी देना। अल्लाह हाफिज़।